महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन में राम सीढ़ी के पास ढूंढेश्वर महादेव 84 महादेवों में से तीसरे महादेव हैं। कैलाश पर्वत पर एक ढूंढ नामक गण था। एक समय वह इंद्र के दरबार में गया, वहां रंभा नाच रही थी। उसे देखकर उसने रंभा पर एक पुष्प गुच्छ फेंक दिया। इंद्र ने शाप देकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। तब उसने विचार किया और महेंद्र पर्वत, श्रीशैल, मलयाचल, विंध्याचल, पारियात्र आदि पर्वतों पर तप किया, लेकिन वहां सिद्धि न मिलने पर वह गंगा, यमुना, चंद्रभागा, वितस्ता, नर्मदा, गोदावरी, भीमरथी, कौशिकी, शारदा, चंबल आदि में स्नान किया, लेकिन तब भी उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तब आकाशवाणी हुई कि तुम महाकाल वन में जाओ, वहां पिशाच मुक्तेश्वर के पास स्थित शिवलिंग की पूजा करो, उससे तुम्हें पुनः गण का प्राप्त हो जाएगा। डुंड ने महाकाल वन में आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। उसने प्रार्थना की कि भगवान, इस शिवलिंग के पूजन से मनुष्यों के पाप दूर हों और यह शिवलिंग मेरे नाम पर प्रसिद्ध हो। इसके बाद वह अपने शिवलोक में चला गया। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।